टाइम ही नहीं मिला कि भाई व्लॉग व्लॉग ना गाइस, क्योंकि अनमोल का ना एक्सीडेंट हो गया। पैर दिखा और इतना ऊपर को गिराई गाड़ी। सोचो अगर वो नीचे जाते, यहाँ से नीचे तुम्हें ढांक दिख रहा हो, उनका एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस में सीधा ना उसे रोड ले, यहाँ पे चोट लगा है और अभी मतलब और वहाँ पर पता चला उसकी टांग की हड्डी टूट रखी है। हम लोग रोड वाले रास्ते से आए थे और रोड वाला रास्ता इतना खराब था ना। मेरी नानी, हेलो बोलो। हेलो। एक बार तो मैं आ गया तेरी नानी के घर, अगली बार मैं ना बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है। आज ना मैं त्रिवेणी से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और व्लॉग मैंने ना मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला कि भाई व्लॉग व्लॉग बना गया, क्योंकि अनमोल का ना एक्सीडेंट हो गया था तो आना पड़ा नीलम को। वैसे मैंने अभी घर पर ड्रॉप कराया, मैं अभी त्रिवेणी आया हूँ, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। तो अभी जाने वाले नीलम के पास और उसको लेने वाले, उसके पास सीधा जाएंगे अनमोल के पास। तो ऑल राइट, अपनी बाइक के पास पहुँच चुका हूँ। बाइक मैंने यहीं लगाई थी बाहर जहाँ पर मेरी पार्किंग है त्रिवेणी वाली, तो मैं यहीं पर लगाता हूँ। और बाइक बहुत गंदी हो रखी है, देख सकते हो तुम कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और कीचड़ कीचड़ हो रखा था ना। बाकी हम इतने फटाफट आया, मैं क्या बताऊँ, मैंने व्लॉग व्लॉग को शूट नहीं करा है, हेलमेट सोच तो रहा था एक बार व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर ऐसे में ना सही नहीं रहता, बोलेंगे भाई उधर उसका एक्सीडेंट रखा तुम व्लॉग बना रहे हो। अब उसकी मतलब कंडीशन ठीक है, अब ठीक है, वो इतना लगा हुआ नहीं और हमारे को ना लेट ही बताया उन लोगों ने। जय श्री राम बोल के बाइक करते स्टार्ट। फटाफट चलते नीलम को लेने। एक बार ना नीलम को ला लेता हूँ घर से, उसके बाद प्रॉपर मतलब ढंग से ब्लॉगिंग करेंगे। वो भाई साहब ज़्यादा ही लीन कर दी कुछ, एक तो इन रोडों में ना मेरे को पहले की आदत है तो उस हिसाब से मैं लीन कर लेता हूँ। और यार यहाँ ना यही सीन होता है, थोड़ा पहाड़ों में ना देख के चलना पड़ता है। उनको यही सीन हुआ, मोड़ पे चल रहे थे, ठीक है, अनमोल गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी गुड्डू चला रहा था, कोई और चला रहा था मतलब। तो यहाँ पर देखो भाई सिंगल रोड होती है, तो भाई मैं तो इतना बोलता हूँ जितना दिख रहा है सीधे में उतना भगा लो। मोड़ों पे मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जैसे तुमने नोटिस करा होगा मोड़ पे ना मैं जब भी मैं मोड़ पे जाता हूँ तो भाई मैं हॉर्न दे के और आराम से जाता हूँ, क्योंकि बड़ी गाड़ी आ गई ना तो भाई दिक्कत हो जाती है। तो उनके साथ भी यही सीन हुआ, मोड़ पे जा रहे थे एकदम से गाड़ी आई तो उनका कंट्रोल बिगड़ा और वो तो ठीक हुआ कि भाई उन्होंने ऊपर को गिराई गाड़ी। सोचो अगर वो नीचे जाते, यहाँ से नीचे तुम्हें ढांक दिख रहा होगा भाई, नदी दिख रही है पूरी, भाई बचा दिया भगवान ने, सही बता। देखो शीशे में दिख रही होगी बंदर पीछे, तो उसको लेके आ गया हूँ। और अब जाने वाले हम दोनों चिड़गांव, तो वहाँ पे ना इसकी नानी का घर है, तो उसकी नानी के घर जाने वाले हैं। नानी का घर है ना, तो उसकी नानी के घर जाने वाले हैं। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है और अनमोल और वहीं पर है। यहाँ पे ना हॉस्पिटल इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, तो उनका एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस में सीधा ना उसे रोडो ले गया ऊपर, और वहाँ पर पता चला उसकी टांग की हड्डी टूट रखी है। ये वाली हड्डी, ये हड्डी होती है ना, ये वाली टूटी, हाँ इधर ही कहीं बोल रहे थे ना, हाँ तो उनका एक्सीडेंट इधर ही कहीं हो रहा है मोड़ पे। तो भाई यहाँ पे ये सीन होता है, मोड़ एकदम तीखे है और कभी भी गाड़ी आ जाती है, तो मेक श्योर तुम सेफ्टी से चलो। और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डरता हूँ इसके साथ और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद तो अकेले ना मेरे को लगता है कि भाई हाँ चल लूँगा, लेकिन इसके साथ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, और पीछे से लगी जाती है मारने अगर मैं थोड़ा तेज़ चलाऊँ। बाकी सही है यार, ज़्यादा तेज़ चलना भी चाहिए, जितना है उतना चलो, क्यों जितनी की रोड की क्षमता है, रोड जिस लाइक बनी है तो उस लाइक ही चलना चाहिए, हाईवे हो तो फिर अलग बात है, क्यों। तो भाई त्रिवेणी से आ गए, हमने सोचा यहाँ मजोग में तेल होगा पीछे, यहाँ भी तेल है नहीं, अब आगे 15 भरना पड़ेगा। भाई मेरे तेल बहुत कम है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम अंदाज ये 15 किलोमीटर चलने वाली है, 10-15 किलोमीटर, क्योंकि मैंने कल देखा था टैंकी खोल के ना, तो इतना तो था तेल। उसके बाद मैं इसको लेने पर गया, फिर वापस भी आया, तो ऐसा ना हो कि भाई कहीं धक्के मारने पड़े। और यहाँ पर ना मिलता भी नहीं है रास्ते में तेल, और मैं सोचा था एक बार के लिए बाइक वॉश करा दूँ, फिर सोचा मैंने कि भाई गंदा तो होना ही है क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, इधर ऊपर कीचड़ कीचड़ होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कोई फ़ायदा है नहीं वॉश करा के, जब ऊपर से आ जाएंगे नीचे तो ही वॉश करवा लेंगे बाइक अपनी मस्त से, है ना। ये देखो क्या फ़ायदा, देखो ऐसे अभी मैं उसको धुलना धुला के लेके आता और ऐसे कीचड़ में फिर वो वापस नहा जाती। तो गाइस ये पुल देख रहे हो तुम, ये वो ही पुल है जिसमें हमारी फर्स्ट रील वायरल हुई थी, मतलब नीलम और मेरी वायरल हुई थी एक रील, उसके बाद से इंस्टाग्राम में ग्रो होना स्टार्ट हुए हम लोग। झूला पुल, हाँ झूला पुल टूटा,
क्या किया था? अच्छा हाँ, इस पे बनाया था और उसके बाद ये वाले पुल पे बनाई थी, और वो वाली वीडियो वायरल गई है सारी। उसके बाद से ही रीच आनी अकाउंट पे स्टार्ट हुई है। तो भाई बहुत सारी याद है, मतलब जगह जगह की जहाँ पे हमने, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भाई स्टार्टिंग यहीं से करा है, तो पता लगता है कि भाई हाँ कि हम अब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ टाइम है ना, लग रहा है कुछ टाइम पहले ही बना रहे थे वीडियो ना, और पता भी नहीं चला कि भाई 100K भी हो गए हमारे। बस यही है कि करते रहेंगे भाई। पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है, तेल ही नहीं दे रहे, तेल ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से भाई 200-300 का डलवाया, बोला था भाई 100-200 का ही होगा, और उसमें तो एक डंडी आई है बस, फिट रोडों जाने के लिए रोडों में भरवाना पड़ेगा। एग्जॉस्ट भी चेंज करा हुआ नहीं है, एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ ही है, और डीवी किलर है वैसे तो, पर फिर भी यार इसका ना चलान तो होता ही है। ठीक है, अगर हाँ, और हम जा रहे हैं हिमाचल, जहाँ हिमाचल में ना बहुत ज़्यादा सख्त आई है, मतलब टाइट पुलिस वाले हैं। तो मैंने मतलब एक बार गया था मैं वैसे, मतलब घर तक गया था एग्जॉस्ट लगा के, लेकिन दूसरी बार जा रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं एग्जॉस्ट निकाल देता हूँ क्योंकि मैं इतना रिस्क लेता नहीं हूँ ना, जब मैं लंबे टूर के लिए जाता हूँ ना, तो मैं ऐसा, क्योंकि यार होता ही है कहीं पुलिस वाले ने रोक दिया फिर बोल दिया, फिर उससे बढ़िया तो ये है कि भाई एग्जॉस्ट निकालो। लेकिन आज मैं एग्जॉस्ट लगा के जा रहा हूँ, बाकी देखते क्या होने वाला है, पुलिस वाले मिलेंगे तो फिर देखते क्या होता है ना। इसी कारण मैंने ना बाइक अपनी वॉश करवाई नहीं है। देखो ऐसी रोड है यहाँ पर, सोचो अगर यहाँ पर पानी आ जाए तो भाई उफ ओ पैन करवा इधर बंद करना, तो अभी हम होते नहीं। नीचे को बन रही है शायद रोड, पता नहीं भाई, उफ भी लगी वहाँ पे। बहुत टाइम हो गया लेकिन रोड बन नहीं रही है, क्योंकि ये बनती है फिर ऊपर से गिर जाता है, बनती है फिर ऊपर से गिर जाता है जैसी बारिश होती है। हम अनमोल के पास जाने के लिए, अनमोल के पास जाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अनमोल देख रहा है तू, हुआ है कि आपका वो हिमाचल में तो लिखा ही नहीं है, मतलब हम हिमाचल में चले गए, उत्तराखंड में आपका सफर मुकम्मल हुआ। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखा है, और उधर से इधर को लिखा है कि उत्तराखंड में आपका स्वागत है ना। ओके ओके, तो भाई हिमाचल एंटर कर चुके हैं अपन। पर यहाँ तो उत्तराखंड पुलिस लिखा है, फिर लास्ट वो है ना, ये उत्तराखंड का लास्ट थाना है, मतलब ये है ना, मतलब पुलिस स्टेशन, उसके बाद से हिमाचल। काम हो रहा है कुछ तो हमें रुका लिया है, और पीछे भी दो चार गाड़ियाँ रुक गई है। काम तो बहुत लंबा है, एम्बुलेंस आ गई भाई, जगह दे दो, जगह दे दो, गड्ढे में कुछ चढ़ देता हूँ। बाकी इधर का तो जाम बहुत लंबा है, हम लोग ने निकाल दी पहले अंकल के पीछे पीछे, मैंने भी भाई चलो, तो गाड़ियों के साथ आता तो फिर बहुत देर रुकना पड़ता। अबे मैं क्या बोलूं, जिन गाड़ी को टेक ऑफ दिया था उन गाड़ी को, वो गाड़ी ने पकड़ लिया हमको, पर क्या करें भाई रोड खराब है। जाओ भाई जी जाओ, आराम से चलानी पड़ेगी भाई मुझे तो। अभी यहाँ क्या हो गया है, अबे क्या दिक्कत है, बुरे ही हाल हो गए। 5-6 किलोमीटर से मैं धूल ही धूल में चला रहा हूँ, पता भी नहीं चलने का भाई। इधर देख रहे हो कपड़े कुपड़े पूरे, उफ अब थोड़ी सही जगह आई है, ओ भाई अब सांस सही थोड़ी, नहीं तो धूल ही धूल आ रही थी। देखो बाइक में धूल, कपड़ों में धूल, झाड़ना पड़ेगा भाई सारा। ये तो ठीक है हेलमेट पहना, नहीं तो भाई आँख मुँह में तो ओए कोई विदाउट हेलमेट आ गया तो पहचाना नहीं जाएगा। अच्छा इससे आ रही है ज़्यादा धूल, तो हाँ इससे आगे चलना पड़ेगा। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हाटकोटी। गाड़ी तो पूछो ही मत, आज मेरी बाइक भी सोच रही होगी कहाँ लेके आया मुझे, मतलब रोड पे लाया कि नहीं लाया है। हाँ हाँ वो तो ऐसी कलर ही ऐसा है उसका, हमारी बाइक का भी तो ऐसे होगा। बड़ी ही मुश्किलों के बाद पहुंच चुके हैं रोडू। ये भाई रोडू का बाज़ार बहुत बड़ा है यार, मैं बहुत पहले आया था तो इतना बड़ा नहीं था, अभी तो बहुत बड़ा, अभी तो हाँ यहाँ से भी आगे जाना है, और हमें यहाँ से भी आगे जाना है। हमें कहाँ जाना है, चिड़गांव, तो हमें ज़्यादा जाना है यहाँ से भी, रोडू से भी आगे। कितना होगा यहाँ से, हाँ चलो
यहाँ से आगे तो मैं गया नहीं हूँ, रोड तक तो मैं पहले भी आया हूँ बहुत बार, जब मैं छोटा था ना तब आता था घर वालों के साथ। नहीं चल जाएगा, वापस में डलवाऊँगा, यहाँ तो होगा ऑयल। भाई फाइनली चिड़गांव भी पहुँच चुके हैं, ये देखो अब चिड़गांव लिखा हुआ है। भाई हालत एकदम ख़राब हो गई, क्योंकि ये रोड है ना बहुत ऐसे बबलिंग 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 ऐसी रोड है, और ऊपर से तुमको बताइए फिर एमटी का कंफर्ट कितना ज़्यादा कंफर्ट जोन है। मन कर रहा है बस में बैठ जाऊँ उधर, बाकी सामान सामान लेते हैं उसके बाद चलते हैं अनमोल से मिलने, क्या हाल है उसके। भाई आज तो एक्सट्रीम बोलते हैं ना जिसको, सब कुछ हो गया है, पता नहीं कहाँ है इसकी नानी का घर। भाई साहब रिवर्स भी नहीं हो रही गाड़ी, भयंकर इतनी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से खड़ी चढ़ाई तो दूर, ये गड्ढे भयंकर। और बाकी हमने सामान सामान भी ले लिया है ऊपर के लिए, बच्चों के लिए भी और मिठाई वगैरह जो होता है ना वो ले लिया है। अब जा रहे आराम आराम से, भाई पता नहीं कितना दूर होगा। एक बार तो मैं आ गया तेरी नानी के घर, अगली बार मैं ना बिल्कुल भी नहीं आने वाला। भाई ये क्या रोड है, इससे बढ़िया तो हम पैदल, इससे बढ़िया तो पैदल ही आ जाऊँ मैं। भाई मेरे को लग रहा है टायर टूटना फट जाए नीचे गाड़ी का और दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई ये रोड है कि भाई क्या है, भाई बुरे हाल हो गए, माफ कर सकते। भाई देखो रोड देखो जरा तुम, पहले गियर पे लेनी पड़ रही है बाइक। पार्किंग एरिया यही है तो, नीलम बोल रही कि पार्किंग एरिया यही है। हट जाओ तो भाई यहाँ कर देता हूँ बाइक पार्क। तो नीचे कहाँ ले जाना, कोई छेड़ेगा तो नहीं यहाँ पर, पता चला कोई आ रहा भयंक लात हूँ तुम्हारा, बाइक नीचे फेंक दी। बाकी मैंने रोड से तो साइड पे लगाई है, और भाई टायर टूयर के क्या हाल, बाइक के हाल देखो तुम, कंडीशन पूरी डाउन हो गई है। अबे अपने तो यहाँ देखो कपड़े देख रहे हो तुम, बाइक और मैं एकदम सेम लग रहे, सेम टू सेम। बाकी पानी पूनी पीते फ्रेश होते हैं उसके बाद चलते हैं, अभी इधर से ना नीलम कंटिन्यू करने वाली है, मेरे बस की नहीं। भाई पहुँच गए हैं नानी के घर में, और अनमोल पड़ा है यहाँ पे पैर दिखा, और इतना हार्ड है ना भाई, प्लास्टर हार्ड ही तो होगा, क्या होगा देखो भाई, एक बार मारो जरा। और बाकी यहाँ है मेरी नानी, हेलो बोलो। हेलो कैसे हो सब, बोलो कैसे हो सब। बाकी मम्मी और पहले रसोई में, और यहाँ पे अनमोल पड़ा हुआ है, हाथ दिखाइए कहाँ का चोट लगाए तेरे, यहाँ पे चोट लगा है, और अभी मतलब हाँ दादी ने दवाई भी लगाया था और हॉस्पिटल से भी लाया था दवाई। यहाँ पे छोटे छोटे मामा के बच्चे, और क्या है तेरा नाम, नाम बता, नाम बोल, नाम बोल, और दूसरी दिखा शक्ल, नाम क्या है बोल। आरुषि कौन सी क्लास में, थर्ड की स्प्रिंग होता बोल, थर्ड की स्प्रिंग। और क्या देख रहे हो, ये देख रहे कार्टून, मम्मी और रसोई में, मैं दिखाती हूँ मम्मी और को। और ये है बाहर चिड़गांव, जानानी और रहते हैं, मतलब बाजार तो नीचे है यहाँ से, मतलब शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से, शॉर्टकट हम लोग रोड वाले रास्ते से आए थे, और रोड वाला रास्ता इतना ख़राब था ना भयंकर। नीचे देखो नीचे का नज़ारा, हम बचपन में आए थे, मतलब मैं बहुत टाइम पहले आई थी, मेरे को याद भी नहीं मैं कब आई थी, मम्मी को दिखाती हूँ। मेरी माई जू मामी हेलो बोलो, हेलो मामी शर्मा रही है, और यहाँ पे है मम्मी, ये पता नहीं कब को आए हुए मेहमानी में, अपने माई के लिए खाते रहते हैं, रोज आते रहते हैं हर दूसरे दिन और यहाँ पे खाना पक रहा है। गाइस फाइनली त्यूनी पहुँच चुका हूँ, और नीलम को पहले ड्रॉप कर दिया है। बाकी मैंने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अनमोल का एक्सीडेंट हो रखा था, तो ऐसा सही नहीं लगता भाई एक्सीडेंट हो रखा है, हम व्लॉग व्लॉग बना रहे हैं, और हम दो दिन रहे थे वहाँ पर, और एक ही में मैंने पूरा दिखा दिया, ठीक है। और कुछ दिन हमें यहीं रुकने वाले हैं क्योंकि नीलम की दादी और भी पापा और भी वो अकेले हैं, इसलिए अभी उनको टाइम लगेगा अनमोल का टांग थोड़ा सही होने में। बाकी उनको अभी अनमोल को लगा रखा है कच्चा वाला प्लास्टर लगा रखा है टांग पे, तो उनको 4-5 दिन, मतलब 10 दिन बाद बोला था, शायद 4-5 दिन और रह गए, उसके बाद हॉस्पिटल बुलाया है, वहाँ जाके पता चलेगा कि भाई ऑपरेशन करेंगे या फिर उसमें पक्के वाला प्लास्टर लगेगा, अगर वो सही हो रहा होगा तो नहीं लगेगा, नहीं तो अच्छे से ही काम चल जाएगा। बाकी ठीक है फिर यहीं से आजकल ना, अब मतलब थोड़ा टाइम तक यहीं से ब्लॉगिंग करने वाले रहे परे, और ठीक है फिर मिलते हैं ब्लॉग में टॉपिक से, तब तक पीस आउट एंड स्टे सेफ, लव यू, पीस, बाय बाय गाइस।